बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम आज के सेशन का आगाज करते हैं। दिस इज अ कॉफी विद सीओ सेशन। बेसिकली इट्स अ ऑनलाइन सेशंस बाय सीओ क्लब पाकिस्तान एंड मैनेजमेंट हाउस। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस द फिलॉसफी इज जस्ट टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द टॉप सीओस, हाउ दे व्यू पाकिस्तान इकोनॉमी, द बिजनेस स्पेशली, एंड द एक्सपर्ट ओपिनियंस, and especially inspiration and motivation for the young startups and the companies and entrepreneurs. So in this regard, we have requested Mr. Zafar Anjum Saab. He is a certified fraud manager, examiner, international investigator, and what not. मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतनी ढेर सारी डिग्री हैं और मैं इनका पूरा नाम कैसे बोलूं। तो थैंक यू जफर साहब, वेलकम टू द आवर शो सर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जफर साहब मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपकी जो 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 ये व्हाट इज दिस ये सर्टिफिकेशन, और ये जो जफर साहब ये जो आपने इतनी डिग्रियां ली हैं, थोड़ा सा अपना अपनी बता दीजिएगा कि जो आपका फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ताकि लोगों को पहले आइडिया हो, क्योंकि ये आम लोगों के लिए, आम कंपनीज के लिए ये नई चीज है। यूजुअली लोग ये जर्नल चीजें पढ़ते हैं, ये कंप्लायंस और ये रिस्क मैनेजमेंट को लोगों को नहीं पता। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर वर्क एज वेल। ओवर टू यू सर। तो ये 1994 की बात है, जब उस वक्त हेल्थ केयर फ्रॉड जो था इंश्योरेंस कंपनीज के हवाले से, और जो हमारे लोग मोस्टली पाकिस्तानी बाहर रहते थे, तो उनके क्लेम्स में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। तो उसमें एक जो समझ में ये चीज़ आई कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च है प्राइवेट सेक्टर में, इसका एक बहुत बड़ा गैप है। सून आफ्टर दैट जो था इंश्योरेंस इंश्योरेंस फ्रॉड और इस तरह के क्लेम्स वगैरह हम करते थे शुरू में, बट फिर 9/11 के बाद ड्यू डेलिजेंस इन्वेस्टिगेटिव ड्यू डेलिजेंस एंड प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड स्क्रीनिंग का जो था, कि पाकिस्तानी कंपनी जो है कैसे सर्टिफिकेशन हासिल कर सकती हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में तो जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगी वो कंपनी सर्वाइव या बिजनेस नहीं कर सकेंगी। तो ये एक कंपनी फार्मास्यूटिकल हो, हेल्थ रिलेटेड हो या कोई और हो, वो कैसे सर्टिफिकेशन हासिल कर सकती हैं, कैसे ट्रेनिंग दे सकती हैं, कैसे ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं, व्हाट इज द वे सर फॉरवर्ड सर? इसमें एक जो फर्स्ट स्टेप है वो एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, जो ISO 37000 की गाइडलाइन के मुताबिक है। वो स्टैंडर्ड उसमें मोर देन 4-5 स्टेप्स के ऊपर गाइडलाइन देता है कि आप अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डेवलप करें। फर्स्ट स्टेप है, तो उसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट या बिग फोर कंपनीज इस तरह के जो लोग हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं कि वो आपका एक सिस्टम डेवलप करते हैं। तो आफ्टर डेवलपिंग द सिस्टम वो ऑडिट प्रोसेस होता है, जो कि 2 फेज में होता है, Stage 1, Stage 2 में। तो वहाँ पे फिर एज ए सर्टिफिकेशन बॉडी हमारा रोल जो है वो स्टार्ट होता है कि हम उसको ऑडिट करें। उस पर अगर हम समझते हैं कि वो effectively implemented है, तो then फिर वो certification जो है वो issue होती है। आगे आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, कोविड के हवाले से, जो businesses के हवाले से, इनकी ग्रोथ के हवाले से, और खासकर क्योंकि पाकिस्तान तो अभी बिल्कुल न्यू है इसी एंटी, क्योंकि जो पाकिस्तानी businesses में जो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एंटी करप्शन के हवाले से, और उसके जैसे जैसे हम कहते हैं AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें ये सिस्टम अफेक्टिव है जी जो आपकी सर्विसेज हैं? इसमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो जो इन्वॉल्व हैं, और जहां कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहां पे के मोस्ट मॉडर्न लेवल के एंटी करप्शन लॉज नहीं है, अपडेटेड जो लेजिस्लेशन है वहां नहीं है, तो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंटरनेशनली उनको अडॉप्ट करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जो अभी एंड ऑफ द ईयर एंड ऑफ दिस 2020 एक और स्टैंडर्ड जो लॉन्च कर रहे हैं ISO वाले, वो स्पेसिफिकली कंप्लायंस मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसको अभी जो ISO 19001 उसको बोलते हैं। तो वो सॉरी
19,600 स्टैंडर्ड है। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लायंस मैनेजमेंट के से स्पेसिफिकली उसके लिए तैयार किए। तो ये जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये आल इम्पोर्टेंट हैं। इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव करें, तो जब इंटरनल कंट्रोल्स इम्प्रूव होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत कम रिस्क फैक्टर होंगे कि लोग जो हैं वो करप्ट एक्टिविटीज कर पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। सही कह रही है, ये तो बहुत जबरदस्त है। आपको फाइनेंशियल सेक्टर में आप समझते हैं कि इसकी जरूरत है? कैन वी हैव दिस सिस्टम इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और हम डिफरेंट रेगुलेटर्स को इसीलिए हमने जो हमारी एक लास्ट हमने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, और उसमें नैब को एसईसीपी को और इन सब को इनवाइट किया था कि आप लोग इस जो नया एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रही हैं तो इनको अडॉप्ट करना चाहिए, और उसमें ये चीज़ें सामने आई। बट ऑब्वियसली ये प्रोसेस ऐसा है कि इसमें टाइम लगता है, और ISO 19,600 कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम जो नया डेवलप होके आ रहा है वो स्टेट बैंक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टू मीट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ FATF, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्पेसिफिकली उनका जो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांगली ना सिर्फ डेवलप होता है बल्कि वो सर्टिफाई कर सकते हैं उसको एक थर्ड पार्टी से। तो वो जब वो ये सिस्टम डेवलप करके सर्टिफाई करेंगे तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और हमारा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली वो उससे जो है वो प्रोसेस इम्प्रूव होगा। तो ये स्टैंडर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। SECP को आपने ऑनबोर्ड किया है, उनके साथ मुलाकात हुई है? क्योंकि बेसिकली तो कंपनीज हैं, अगर स्टेट बैंक के जरूर क्योंकि उसका परिव्यू छोटा है, उसके बैंक थोड़े हैं, लेकिन कंपनीज तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हैं, और SECP अगर इसको मैंडेटरी करार दे दे, इसके साथ अगर आपका कोलैबोरेशन हो जाए, तो फिर तो ये कॉर्पोरेट्स जो गवर्नेंस है बेसिकली ये इसको स्ट्रेंथन करेगी। व्हाट आई फील कि पाकिस्तान में बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी है, और अगर वो रेगुलेटर की तरफ से आए और ये सिस्टम आ जाए तो पाकिस्तान की कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू कंप्लायंस और ये जो लॉज हैं या ISO सर्टिफिकेशन है बहुत इंप्रूव कर जाएगी। व्हाट डू यू से सर? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। SECP को हमने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर लिखा है, और SECP को इनवाइट भी किया था हमने इसीलिए उसमें अपने कॉन्फ्रेंस में कि वो गवर्नमेंट को ये प्रपोज करें। और मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2018 में एक डायरेक्टिव भी दिया था इसके ऊपर के डिफरेंट जो फेडरल लेवल की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं वो ISO 37000 को इम्प्लीमेंट करें, जिसमें सबसे पहले जो OPF है पाकिस्तान में उसने इसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया और बहुत इफेक्टिव उन्होंने इस पे वर्क स्टार्ट किया। तो काफ़ी मिनिस्ट्रीज इसमें इंटरेस्टेड थी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें इंटरेस्टेड थे कि ये स्टैंडर्ड जो है ये बहुत इफेक्टिव है इसे हमें, बट रेगुलेटर्स की तरफ से अभी कोई इतना इफेक्टिव रोल जो है वो सामने नहीं आ रहा कि वो इसको अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते, जो कि ऑब्वियसली उनको हमारे पास एक बड़ी अच्छी मलेशिया की एग्जाम्पल है। हमारे रेगुलेटर्स के लिए ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि मलेशिया ने किस तरह अपने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके अपने लॉ में अमेंडमेंट करके कितना इम्प्रूव किया है जो करप्शन इंडेक्स है उसके ऊपर, तो वो कहाँ पे थे और कहाँ पे चले गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इफेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है रेगुलेटर्स के एंड से, और हम हर वेज इसके लिए ओपन होते हैं कि ट्रेनिंग वर्कशॉप करने के लिए तैयार हैं हम उनके साथ जो है वो डिफरेंट कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस के ऊपर सेमिनार करने के लिए तैयार हैं, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, एवरीथिंग के जो हेल्प कर सके टू इम्प्रूव द इंटरनल सिस्टम्स ऑफ कंपनीज।
तो ये बड़े अच्छे टूल हैं, बिलीव मी सर। इसके ऊपर जफर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सबसे पहले अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग है, क्योंकि जब तक लोगों को जब ट्रेनिंग और अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया जाएगा, चाहे वो कंपनीज हों, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, उसके लिए जो आपके तीन चार अदारे जो आपके सर्टिफिकेशन की जो इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट लंडन का है, फिर इंटरनेशनल कंप्लायंस एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, क्या इनके जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं ट्रेनिंग के, क्या आपको कोई प्लान है कि हम इनको ताकि लोग अगर उस ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, उनके जो हुस हु हैं या डिसीजन मेकर्स हैं, तो वो वाकई थिंक करें कि वाकई इज इंपॉर्टेंट, क्या उनके इस किस्म के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या आपको पाकिस्तान में इदारा करा रहा है, अगर अगर नहीं करा रहा तो आपकी क्या प्लानिंग है सर? हमने ये सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट किया था सेमिनार के हवाले से, बट ये अनफॉर्चुनेटली COVID-19 की वजह से फिर वो कंटिन्यू नहीं रह सका। तो हमारा प्लान था कि एवरी ईयर जो है हम हमारा OECD के साथ जो था इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट थी, और दो बार जो है OECD के जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन हैं वो दो दफ़ा आए हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने दो दफ़ा आके वो इवेंट जो है उसमें ये चीज़ें ये अवेयरनेस और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, और अभी भी हमारा इरादा यही है कि इन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके हम जो है अवेयरनेस, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट अवेयरनेस के साथ एक रेगुलेटरी पुश बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटर्स जो हैं वो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को ना सिर्फ अडॉप्ट करें बल्कि इनको एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्रिएट करें कंपनीज के लिए, और कि वो अपना कंप्लायंस जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें इन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो वो जो रोल है वो होना बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको आगे लेके चलने के लिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आपसे ये पूछूंगा कि कोविड के हवाले से ये जो इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि मैंने जिंदगी में 18-20 साल जो ये जो पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंस होती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो फ्रॉड की वजह बनती है, वो अगर वीक है तो आपका जो अब जैसे बैंक्स हैं हर दूसरे तीसरे दिन बैंक से फ्रॉड की एक खबर आती है सर, इसी तरह दूसरे जो इवन कॉर्पोरेट सेक्टर है कंपनीज हैं उसमें खबर आती है, तो ये बहुत बड़ा ये नीड ऑफ द आवर है कि इस किस्म की ट्रेनिंग हो जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आई थिंक दे आर द कीज टू द सर्वाइवल एंड स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में। नो कमिंग टू द पॉइंट सर, ये मैं अब लीडरशिप की तरफ आता हूँ। माशाल्लाह यू आपकी मुझे ये बताइए कि व्हाट इज लीडरशिप इन क्राइसिस, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो कोविड के दौरान टॉपिक जो दुनिया में पढ़ा जा रहा है वो लीडरशिप इन क्राइसिस है, तो हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप इन क्राइसिस एंड 3 की एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर हु मैनेज इन क्राइसिस, हाउ डू यू सर? देखिए कोई भी क्राइसिस हो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलें और एक नेशनल कंसेंसस जो है वो डेवलप हो, ये ना हो कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त जो बेस्ट लीडरशिप सामने आई है कि जो कंट्रीज जिन्होंने अभी स्टार्ट कर दी है बिजनेस, तो उसमें यही चीज़ें थी कि उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली पॉलिसीज बनाई हैं और टाइमली पॉलिसीज बनाई हैं और उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है विदाउट एनी रिलैक्सेशन। फॉर एग्जांपल अगर लॉकडाउन ज़रूरी है तो लॉकडाउन में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप उसको फौरन इम्प्लीमेंट करें। तो अभी देखिए ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह जो है अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है, मींस बहुत सी पॉपुलेशन हो गई हैं, लोग नहीं सकते हाँ, तो इसी तरह उसकी अवेयरनेस जो है उसको, बट अगेन आप सारों को साल लेके चलें और एक नेशनल पॉलिसी हो जो कि इम्प्लीमेंटेड हो डिसरिगार्डिंग द एफिलिएशंस कि हमारी किस
पार्टी के साथ क्या एफिलिएशन है, ये तो एक नेशनल क्राइसिस है। तो इसके अंदर जो लीडरशिप फेलियर है वो ओरिजिनली उसके रिजल्ट जो है वो कंट्री की इकोनॉमी जो है उसको कल उसको पे बैक करना है और बहुत बुरे तरीके से पे बैक करना। सर बहुत अच्छी बात की जफर साहब। एक और इसी तरह के इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है में कि जो साइबर क्राइम्स हैं आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा जो फोकस शिफ्ट हुआ है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग ट्रेडिशनल बिजनेस है, अब सर टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है बिजनेसेस की, तो उस डिजिटल और टेक्निकल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बिजनेसेस की, इसमें साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स, साइबर जो करप्शन है बहुत बढ़ गई है, तो इसको ये वाला जो सिस्टम है 3700 ISO ये कैसे एड्रेस करते हैं और क्या इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? अबाउट टू यू ये सिस्टम ओरिजिनली आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको एड्रेस करते हैं कि अगर एक करप्ट पर्सन है वो आपका आईटी का इंचार्ज है या हेड ऑफ आईटी है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इतना बॉदर नहीं करती कि एक $50 की बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कर ले और वो प्रोसेस जो है वो उन्होंने नहीं अडॉप्ट, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो करप्ट पर्सन है वो क्या करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? अब चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कॉमर्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ऐसा हुआ है कि ये एक मींस बहुत बेसिक एक रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है बैकग्राउंड स्क्रीनिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं अडॉप्ट करते, और रिस्क फैक्टर जो है उसको उसका क्वांटम बढ़ जाता है जब आप एक ऐसे बंदे को रख लेंगे टेक्निकल पोजीशंस के ऊपर। और हमारे पास कई केस स्टडीज ऐसी आई हैं जिसमें इंजीनियरिंग लेवल की पोजीशन पे लोग जो हैं वो फेक डिग्री के साथ काम करते रहे हैं और बाद में पता चला है जब ऑर्गेनाइजेशन ने बैकग्राउंड स्क्रीनिंग करवाई पता चला ये तो इसके पास डिग्री फेक है। तो ये जो ये देखने में बैकग्राउंड स्क्रीनिंग जो है वो बहुत एक स्मॉल सा प्रोसेस है, बट बिलीव मी इट्स द बेसिक फुट स्टेप के आप रिस्क मैनेजमेंट यहाँ से स्टार्ट करें। तो अगेन स्टैंडर्ड जो है वो उस हर उस एरिया को इम्प्रूव करता है जहाँ पे लूप होल्स हैं और जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज हो सकता है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे वो कोई और मैनेजमेंट का एरिया हो। तो स्टैंडर्ड जो है वो बहुत इफेक्टिवली इस एरिया को भी उनको इम्प्रूव करते हैं। जब आपके इंटरनल कंट्रोल्स इम्प्रूव होंगे तो चाहे वो कोई भी है कोई भी थ्रेट है तो वो उसके अगेंस्ट एटलीस्ट आपके पास एश्योरेंस तो होगी। मुझे ये बताइए अपना जफर साहब, इसकी कॉस्टिंग क्या है कि अगर कोई ट्रेनिंग करता है या सिस्टम एक मिड साइज या एसएमईज कोई बिजनेसेस अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हेल्थ रिलेटेड कंपनी हो, तो व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस सिस्टम? ओरिजिनली जो कॉस्ट इसकी होती है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और कंपनी का जो साइज है उसके ऊपर एक कैलकुलेशन है। कैन यू हियर मी? हम एक दो क्वेश्चन शॉर्ट करके इसको फिर क्लोज करते हैं। सफर साहब मुझे ये बताइए कि ये तो सिस्टम बहुत ही अच्छा है, कॉस्टिंग भी नॉर्मल है, आप इसको करते हैं इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव करते हैं, मुझे तीन चार छोटे से क्वेश्चन करने हैं लीडरशिप के ऊपर पर्सनल। सफर साहब आपने लाइफ में माशाल्लाह इतना रिच प्रोफाइल है आपका, तो आपने जिंदगी में, क्योंकि लीडरशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस, आपने जिंदगी में कुछ दो तीन मुश्किल फैसले किए, प्लीज कैन शेयर विद अस कौन से फैसले थे? यू आर हियर राइट नाउ सर। अभी जो है वो बहुत मुश्किल आ रही कई डिसीजंस के अंदर, स्पेशली जो COVID-19 के हवाले से है। तो इसमें जो सबसे डिफिकल्ट डिसीजन ये है कि जॉब्स मेंटेन करना और अपने कुलीग को रखना जो है वो बहुत टफ है, और इट्स नॉट रियली इजी के जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे, क्योंकि जब आपका बिजनेस ड्रॉप होता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल जो पोजीशन है वो नहीं रहती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो एरिया है इस स्पेशली इस एरिया के दौरान बहुत टफ है, एवरी डे इज़ वेरी टफ, और हम लोगों को
ले ऑफ नहीं कर सकते, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है एम्प्लॉइज के ऊपर। इसी तरह जो एक वर्किंग रिलेशनशिप और ट्रस्ट लेवल है वो आप नहीं कहीं से भी नहीं, लॉयलिटीज और ये चीज़ें जो होती हैं वो आसान नहीं होती। तो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन है। तो मुझे ये बताइए कि इस टफ सिचुएशन में सर मुझे ये बताइएगा कि एवरी थ्रेट एंड प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी, तो व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग, व्हाट आर द बिजनेसेस आप समझते हैं कि जो ग्रो करेंगे और कैसे इसमें से, क्योंकि कुछ बिजनेसेस स्ट्रगलिंग हैं जैसे ट्रैवल टूरिज्म था, एविएशन है, काफी बिजनेसेस सफर कर रहे हैं, तो आपकी क्या समझते हैं सिल्वर लाइनिंग क्या है? इस क्वेश्चन था कि ये जो कोविड के अंदर ये सिल्वर लाइनिंग क्या है? एक तो चैलेंजेस हैं हम देख रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, SMEs आर रियली हिट बाय द कोविड, एनी सिल्वर लाइनिंग क्या है आपके जेन में? सिल्वर लाइनिंग आपका एक मींस आपके पास बैकअप क्या है हर इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह कौन से प्लान्स हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल जॉब्स कैसे सेव करेंगे, और इसी तरह इकॉनमी को किस तरह सपोर्ट करना है, कौन से एरियाज हैं। तो ये वो नेशनल लेवल के वही पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो कौन सा प्लानिंग किया है हमने, जब अब तो 3-4 हो गए हैं, जब ये सारी चीजें एंड होंगी तो हम कैसे बैक टू द नॉर्मल लाइफ आ रहे हैं, को प्रोवाइड करती है। तो आई डोंट नो कि अब पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो कैसे है, किस तरह उसको टैकल कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। मुझे सर ये आखिर में एक चीज पूछनी है आपसे, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? जफर साहब आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस जो है वो शॉर्टकट का नाम नहीं है। आपको एक कंसिस्टेंट, सबसे पहले आपका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अगर आपने डिफाइन कर लिया है तो वहाँ पे फिर शॉर्टकट नहीं है, वहाँ पे एक कंसिस्टेंट अप्रोच टू द राइट डायरेक्शन है। और दूसरा ये है कि आप जो राइट थिंग है उसको राइट समझें, और इफ़ यू बिलीव के आप राइट पाथ पे हैं तो उसमें फिर ऑनेस्टी के साथ आप अपना सफर जो है उसको जारी रखें। अल्लाह ताला जो है वो बरकत देते हैं इसमें। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो हैं वो हमेशा बंदे को बर्बाद करते हैं और नाकामी होती है उसमें। हाँ हाँ सर, मुझे एक बताइए कोविड में जफर साहब क्या सीखा, एक इंट्रोस्पेक्शन किया अंदर गए, क्या आपने की 3 lessons लर्न फ्रॉम कोविड? एक ऐसी सिचुएशन है कि वो देखे कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इतनी ज़्यादा इसमें बेबसी है कि घर एक जो रूटीन थी लाइफ की, कोई लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो घर में बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। बट इसमें लर्निंग के भी कई एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम जो एक स्ट्रेटजी आई है वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है, और उसमें यकीन करें कि एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी भी है कि अगर किसी जगह पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो यू डोंट नीड टू गो ऑफिस, तो आप उसकी उसमें रिस्क, उसमें सेविंग्स भी है। बट ये जो एरिया हमारे वर्क फ्रॉम होम, तो अपने पर्सनल व्यू से कि आप क्या समझते हैं कि मैसेज क्या देंगे आप पाकिस्तान के यंग सीईओस को, एंटरप्रेन्योर्स को, और खासकर यूथ को, कि ये ऑप्टिमिज्म अपना आपको कि इस वक्त बहुत डिप्रेशन है एज यू ऑलरेडी सेड सर, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, मेंटली फिजिकली इमोशनली कैसे ओवरकम किया जाए, व्हाट आर द कोपिंग स्ट्रेटजीज डू यू रिकमेंड सर? इसमें अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली बहुत हैं, कई ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। साथ के क्राइसिस अपनी जगह पे है। फॉर एग्जांपल देखें कि वो हम देख सकते हैं, रीवैम्प कर सकते हैं अपनी
सर ये लास्ट क्वेश्चन है सर, सिग्नल्स थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं, ओवर टू यू सर। आप बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी इसी चैलेंजेस में, प्लीज ओवर टू यू सर। हाँ, तो इसमें मैं कह रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं वो यही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट का जो प्लानिंग या सिस्टम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि उनको अब रिव्यू किया जाए प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से कि हमने रिस्पांस कैसे किया और उस में कौन से वीक एरियाज थे जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि एक अफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कंपनीज जो है उनको ना सिर्फ रिव्यू करें बल्कि फर्दर डेवलप कर सकें उसे। जबरदस्त, थैंक यू सफर साहब, बहुत शुक्रिया। कोई जाते जाते कोई किताब रिकमेंड कर देंगे, माशाल्लाह आपने इतनी एजुकेशन हासिल किया, इतना स्टडी किया है, एनी टू थ्री बुक्स विच अ सीईओ यंग पीपल यंग स्टार्टअप टू रीड दिस बुक्स ड्यूरिंग कोविड? जी, यहाँ पे एक अभी रिसेंटली बुक है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल करप्शन के हवाले से है, और उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। थैंक यू वेरी मच सर। जफर साहब इंशाल्लाह ताला आपके साथ कभी लाहौर आप आइए, प्लीज डू विजिट, वी हैव अ स्पेशल टॉक बाय यू एट आवर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट हाउस। आपका नंबर भी सेव कर लेता हूँ, और आई विल विजिट टू द यूके इस्लामाबाद और दुबई, आई विल बी वेटिंग विद यू सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। जफर साहब बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच सर।